हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चोपड़ाज ब्रदर प्लैनेट ऑफ प्लांट। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस प्लांट के बारे में बता रहे हैं वो एक ब्यूटीफुल प्लांट है, शायद ही वो किसी के घर में ना हो प्लांट। आज हम आपको इसे हैंगिंग पॉट में, मॉस्टिक पे एंड स्मॉल से प्लांटर में ग्रो करवाना बताएंगे कैसे ग्रो करें। पहले हम हैंगिंग पॉट में ग्रो करते हैं। इस टाइप का हमने एक पॉट लिया है जिसमें होल है और इस टाइप की मॉस, थोड़े से स्टोन और सॉइल मिक्सचर और एक रूप लिया और कुछ मनी प्लांट की ब्रांचेस लिए हैं। पहले हम पॉट में अपनी मॉस को थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छी तरह से बिछा देंगे, होल्स को भी अच्छी तरह कवर कर देंगे जिससे जब पानी ड्रेन हो तो इसमें ये जो मॉस है ये एब्जॉर्ब कर लें। हैंगिंग पॉट में, हैंगिंग पॉट हैवी ना हो इसलिए से हमने इस ये मॉस लिया। अब थोड़े से स्टोन्स डाल देंगे और दोबारा से मॉस बिछा देंगे, मॉस डाल देंगे अच्छी तरह से। मॉस से हमारी जो हैंगिंग पॉट होगा वो लाइट हो जाएगा, लाइट वेट का। अब हम अपना सॉइल मिक्सचर डालेंगे इस टाइप से, पूरा कवर कर देंगे इस मॉस को। आपके जब आप प्लांट लाते होंगे तो इस टाइप के पॉट्स आपके ब्लैक कलर के आते ही होंगे, तो आप इस वेस्ट प्लांटर से एक हैंगिंग पॉट बना सकते हैं इस टेक्निक से जो आज हम बताने वाले हैं। देखिए, इस टाइप की आप ब्रांचेस लिए मनी प्लांट की जिसमें सेकेंडरी रूट निकल रही हो और ये जो वेस्ट है इसे कट कर दें। देखिए, मैं अच्छी तरह से कट कर दूंगा ये जो वेस्ट हो गया ब्राउन कलर की, और ये जो अच्छी अच्छी ब्रांचेस हैं वो ले लेंगे और जो डेड लीव्स हैं वो बिठा देंगे। अब जो सेकेंडरी रूट्स है वो हम हर तरफ से ऐसे कवर करके ब्रांच को निकाल देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं कराया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई अपडेट्स, वीडियो और प्लांट्स की एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स की दोनों आप तक सबसे पहले पहुँचें। देखिए, इस टाइप से चारों तरफ हमने ब्रांच लगा दी हैं जिससे जब ये पॉट हैंग करे तो बहुत ब्यूटीफुल लगे। एक मिड में भी लगा देंगे हम इसकी ब्रांच। अब देखिए, हम थोड़ी सी सॉइल डालकर हम अब आपको टेक्निक सिखाएंगे कि इस सिंपल पॉट को आप ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं वैसे तो, और हैंगिंग पॉट में करेंगे तो आप और भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब इसे थोड़ा सा टैप करके ये हमारा पॉट तो तैयार हो चुका है। आप ऐसे भी रख सकते हैं जैसे वुडन शेल्फ होती हैं जो उन पर। अब हम आपको रोप हैंगिंग पॉट बनाना सिखाएंगे। देखिए, आप एक जूट रोप लीजिए, ये आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी। इसका पहले आप एक हर्ट शेप बना लीजिए। देखिए, इस टाइप का हर्ट एक शेप बन जाएगी रोप से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, इसे इस टाइप से लेफ्ट टू राइट साइड टर्न कर दीजिए रोप को ऊपर से। इस टाइप का क्रॉस पर हम अपने प्लांटर को इस तरह रख देंगे। ये जो इसके लेग्स हैं इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। आप एक दो बार एक खाली प्लांटर पर इसे ट्राई करिए और फिर इस टेक्निक को करें। एक दो बार बनाने पर फिर आपको इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ये जो बड़ा लूप है इसे छोटे लूप के अंदर से इस टाइप से निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा खींच लेंगे अपनी तरफ। अब ये जो रूप का मेरे दोनों हाथों में लूप है इसे ऊपर से प्लांटर के निकाल कर ये जो छोटे छोटे दो रूप के लूप हैं इन्हें अंदर ले लेंगे। अब इन दोनों को लूप्स को रूप के बड़े बड़े लूप्स के अंदर से निकाल देंगे इस टाइप से आप जैसे देख रहे होंगे वीडियो में, और इसे हम खींच कर अब हमारा प्लांटर तैयार हो जाता है। देखिए, हमारा प्लांटर रेडी है। ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, आप लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मनी प्लांट की केयर टिप में यही रखना है हमें कि इसे अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग से दोनों से बचाना है, और इसे हम प्रोपोगेट तो हम इसकी सेकेंडरी रूट से कर ही सकते हैं जैसे मैंने बताया। नाउ हम आपको स्मॉल प्लांटर में मनी प्लांट को ग्रो करना बताते हैं। इसमें पहले स्मॉल प्लांटर में अच्छी तरह से होल होने चाहिए। अगर आपको ये ब्यूटीफुल प्लांटर बनाना है वो भी घर में, ये बहुत इजीली बन जाएगा। ये इसकी वीडियो हमने लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इसके वीडियो के लिंक।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। अब हमने अच्छी तरह से मॉस बिछा लिया। मनी प्लांट के लिए मॉस बहुत अच्छी होती है, ये मॉइस्चर रिटेन करती है और मनी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करता है इसमें। अब सॉइल मिक्सचर के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और आप पहले की तरह ही सॉइल मिक्सचर बनाना है इसका भी। अच्छी तरह से फिल कर लीजिए इस प्लांटर को, 1 इंची का डिस्टेंस रखिए इसके एचेस तक। अब देखिए इस टाइप की कटिंग आपको काटनी है, लीफ बीच में होनी चाहिए और ब्रांच के दोनों साइड 45 डिग्री एंगल पे कट करना है। अब देखिए हमें 3 का ग्रुप बना के इस टाइप से इसे फिक्स कर कर प्रेस करना है नीचे की तरफ और थोड़ी सी सॉइल डाल देनी चाहिए और ये स्टैंड हो जाएंगे इस टाइप से। 3 लीव्स का ये ग्रुप है, अब 3 लीव्स का दोबारा बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का ये पॉट तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से फिक्स कर दीजिए लीव्स को। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा प्लांटर तैयार है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।